दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टे ऑन पावर ऑयल के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, पुरुषों में पेनिस पर मालिश के लिए एक तेल होता है, ऑयल होता है। यह नसों का ढीलापन और पेनिस की नसों में लूजनेस आ जाना, इसके अलावा पावर स्टेमिना की कमी, प्रॉपर तरीके से इरेक्शन ना आना, इसके अलावा कुछ लोगों में हस्त मैथुन की एक लत होती है तो उसके कारण जो है पेनिस का सिकुड़ जाना या लूजनेस जैसी समस्या, इस तरह की कंडीशन होती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण, बड़ी उम्र के कारण जो लूजनेस की समस्या होती है तो उस तरह की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं इस तरह के ऑयल। अभी ने जो है आयुर्वेद और यूनानी दोनों तरह की पैथी में इनको तैयार किया जाता। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ किस तरह के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये फरवा ऑयल है, इसके अलावा ये तिलाबाजी दलिशा एक फरवा ऑयल आता है, इसके अलावा जेंटोल तिला आता है। ये कुछ तिले भी, इनको तिले भी कहा जाता है और ऑयल भी कहा जाता है। तो ये ओवरऑल जो है पेनिस पर मालिश के लिए जो है ये एक तरह का तेल होता है, स्टे ऑन पावर ऑयल। तो मैंने जो है आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था स्टे ऑन पावर कैप्सूल के बारे में, तो उसी कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इनको दोनों को साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टे ऑन पावर ऑयल के अगर मैं फायदे की बात करता हूँ तो यह पुरुषों में लिंग के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाकर भरपूर इरेक्शन पैदा करता है और पेनिस के अंदर जो नसें होती हैं उनको मजबूती देता है। और इसके अलावा दोस्तों यह लिंग में लंबे समय तक तनाव में जोश को बनाए रखने का काम करता है और शीघ्र पतन जैसी कंडीशन, खासतौर से जल्दी से डिस्चार्ज होने की जो समस्या है पुरुषों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उस तरह की कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। खास तौर से शीघ्र पतन जो है वीर्यवाणी नाड़ियों की वजह से, अगर उनके अंदर कमजोरी हो गई है तो उसकी वजह से शीघ्र पतन होता है, तो उस तरह की कंडीशन में फ़ायदा पहुंचाता है। क्योंकि जब आप इसको मालिश करते हैं तो वीर्यवाणी नाड़ियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, जिसके कारण जो है शीघ्र पतन जैसी कंडीशन नहीं होती है। इसके अलावा लिंग की नसों को फैलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और ब्लड फ्लो को जो है ये लिंग तक पहुँचाता है और भरपूर जोश तनाव जिसकी वजह से आता है। और इसके अलावा हस्त मैथुन के कारण, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, जिन पुरुषों ने युवावस्था में हस्त मैथुन ज़्यादा किया तो उसके कारण नसों की कमजोरी हो गई है। खासतौर से हस्त मैथुन के कारण या बढ़ती उम्र के कारण अगर पेनिस का सिकुड़ जाना, सिकुड़न जैसी समस्या, और इसके अलावा जो है लूजनेस जैसी कंडीशन हो गई है, तो इसके इस तरह की कंडीशन में भी अगर इसकी मालिश किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। यौनेच्छा की कमी हो गई है तो इस तरह की कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। अब बात करेंगे इसको जो है इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस्तेमाल की अगर मैं बात करता हूँ तो पेनिस पर आगे का हिस्सा छोड़कर पीछे पीछे इसको मालिश किया जाता है, 5 से 7 मिनट मालिश किया जाता है। और ये कम से कम 5 बूंद आप लेकर इसको मालिश कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कम परेशानी होने पर एक टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादा परेशानी होने पर इसको 2 टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके साथ में आप स्टे ऑन पावर जो कैप्सूल आते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब आप इसे किसी मेडिकल स्टोर से या आयुर्वेदिक दवा दुकान से या फिर ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। 30 ml का इसका जो पैक है उसकी कीमत मार्केट में 319 रुपये के आसपास है, बाकी डिस्काउंट लगाकर आपको ये मिल जाता है। तो ये इसके अलावा दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करता हूँ, जिन पुरुषों में स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उनको दाने निकल सकते हैं। इसके अलावा जो है लालीपन हो सकता है या किसी तरह की जलन, बर्निंग वगैरह, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। और इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर या किसी वैद्य हकीम से सलाह लेके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा स्टे ऑन पावर ऑयल के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।